29th ऑफ सितंबर को स्टेम सेल थेरेपी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर हुआ. तो उस दिन वो सोया था काफ़ी. उसके दूसरे दिन जब उसका फिजियोथेरेपी एंड वो सब स्टार्ट हुआ तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ड्यूरिंग मुझे पता चला कि उसका नेक होल्डिंग काफ़ी सुधर गया है. जो वो पहले नहीं कर पाता था, वो गिर जाता था इन फ्रंट साइड में, उसका नेक गिर जाता था, लेकिन अब वो अपने आप से उसका नेक होल्डिंग कर पाता है. उसका ट्रंक होल्डिंग भी उसी दिन थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया था कि ट्रंक होल्डिंग में भी उसका प्रोग्रेस है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे में हमें पता चला कि उसका ट्रंक होल्ड काफ़ी अच्छा हो गया है. उसके हैंड फंक्शन में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, और उसके जो पैरों में क्रॉसिंग होता था तो अभी वो क्रॉसिंग भी काफ़ी कम हो गया है. जो ट्रेमर्स उसे आते थे वो ट्रेमर्स भी काफ़ी कम हो गए हैं, और उसका विजुअलाइजेशन जो है वो विजुअलाइजेशन भी काफ़ी सुधर गया है. मिरर में देखता था पहले तो वो ठीक से देख नहीं पाता था, लेकिन अभी मिरर में देखने के वक्त वो स्ट्रेट वे मिरर में देखता है. और स्पीच थेरेपीज ने भी बहुत अच्छा सिखाया है उसे. तो जब उन्होंने सिखाया तो इमिजिएटली उसका म प प ब ब वो स्टार्ट होने लगा. पहले उसके होठ उस वर्ड्स के लिए हिलते नहीं थे, और ठीक से उसमें से आवाज़ भी नहीं आती थी, लेकिन आफ्टर दैट थेरेपी उसका इमिजिएटली होठ भी हिलने लगे और उसमें से आवाज़ भी आने लगी. तो म म प प बा बा ऐसे वर्ड्स वो बहुत अच्छी तरह से मतलब बोलने लगा. और उसका ट्रंक तो वो खुद से काफ़ी मतलब काफ़ी मैनेज करने लगा. नींद में भी अगर उसका बैलेंस जाता है तो वो खुद को बैलेंस कर सकता है. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि मेरे बेटे में इतना चेंज आया. और अगर मतलब आगे भी जैसे जैसे उसका प्रोग्रेस होता है तो हम हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेंगे. हमें बहुत अच्छा लगता है. हम लोगों ने 1 महीना 10 दिन पहले इसका स्टेम सेल थेरेपी कराया था, तो उस वक्त भी हमको दूसरे दिन से काफ़ी चेंजेस मिले थे उसके अंदर. जिस दिन हम उसको लेके जा रहे थे हमारे घर पे स्टेम सेल थेरेपी के बाद में, तो जाते वक्त भी उसने गाड़ी में बैठा था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बैठकर वो गया और ख़ुद को अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करी थी. जब ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाया तब भी वो आगे मतलब झुक के वापिस अपने आप से पीछे आया, बैलेंस किया, खुद गिर नहीं गया. घर पे जाने के बाद भी उसको हमने खिड़की में बिठाया तो उसने खुद अपने हाथ दोनों हाथों से ग्रिल को पकड़ के खुद को बैलेंस किया विदाउट एनी सपोर्ट. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर काफ़ी चेंजेस लगे, जैसे सिटिंग में इम्प्रूवमेंट आ गई, बैलेंसिंग करने में इम्प्रूवमेंट आ गई उसके अंदर. और जैसे वो आईबॉल्स की मूवमेंट पहले करता था, किसी चीज़ को अगर उसे ऊपर से देखना है तो उसको पूरा नेक होल्ड करके देखना पड़ता था, लेकिन अभी आईबॉल की मूवमेंट्स फ्रीली कर पाता है. और फेस एक्सप्रेशंस जो है उसकी वो बहुत काफ़ी अच्छे से दिखाई देती है. मतलब घर पे जो भी मेहमान आते हैं तो उनको वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है कि उसके क्या उसको क्या कहना है. उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफ़ी सुधर गए हैं, और आँखों की जो हलचल है वो भी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गई है. हैंड फंक्शंस काफ़ी सुधर गए हैं. उसका जो हाथों से पकड़ने की कोशिश करता था किसी चीज़ को तो वो भी काफ़ी है. और कोऑर्डिनेशन जो कहते हैं जिसे, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है. जैसे दोनों हाथों से इंटर फिंगर जो इंटरलॉक करती है ये एक दूसरे से, तो वो भी उसे सिखाया तो वो भी उसने फटाक से सीख के वो करने लगा. और हमारे सब मतलब फ्रेंड्स को भी उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है. वो वही कहता है कि उसके बाद काफ़ी उसके अंदर चेंजेस हैं, और लोगों से अब वो डरता नहीं है, बहुत फ्रीली कम्युनिकेट करता है विद द एक्सप्रेशंस. और उसका जो बैलेंस होल्डिंग है वो भी अच्छे से बढ़ गया है. बैलेंस जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस भी कर पाता है, और दोनों हाथों से अपना बैलेंस लेके वो होल्ड कर पाता है. हाथों का स्ट्रेंथ बढ़ गया है और डिस्टोनिया काफ़ी कम हो गया है उसका. तो इतने सारे चेंजेस उसके अंदर.